बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने विधानसभा अंतर्गत जनपद पंचायत लालबर्रा सभागार में समीक्षा बैठक को लेकर सभी विभागों के प्रमुखों से विभिन्न विषयों पर जानकारी ली और नरेगा के निर्माणाधीन कार्यों में प्रगति लाने जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित किया। बैठक में आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा उनके अधिकार द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत पर आजीविका मिशन के अधिकारी को समसाइज देकर महिलाओं को परेशान नहीं करने की चेतावनी दी। बैठक में लालबर्रा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तहसीलदार सुरेश कुमार उपाध्याय, वार सिवनी SDM कामिनी ठाकुर सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। जनपद पंचायत समिति में समीक्षा उपरांत क्षेत्रीय जनों की मांग पर लालबर्रा से बोरी पहुंच मार्ग पर मंडी निधि सन 2018 में बने पुल का बीते वर्ष सितम्बर माह से भारी बारिश के कारण क्षेत्रीय जनों को आवाजाही में परेशानी हो रही है, जिसे लेकर क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण कर मौका स्थल से ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के उच्चाधिकारी को निर्देशित कर जल्द ही वैकल्पिक व्यवस्था कर मार्ग को सुचारू रूप से बनाने की बात कही। साथ ही न्यूज ओवर में चर्चा मंदी से निधि सन 2018 में निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर संबंधित उच्च अधिकारियों पर जल्द ही कार्रवाई की बात कही। आजीविका मिशन की निश्चित रूप से आपका सवाल बहुत अच्छा है, यहाँ पे चर्चा हुई और विगत दिनों मुझसे, मैं अभी जब भोपाल प्रवास पे थी, विधानसभा का सत्र चल रहा था, तो अब आजीविका मिशन से जुड़ी हुई कुछ महिला बहनें जो जाम और हमारे खमरिया लालबर्रा से की हैं, वो हमारी बहनें मुझसे आकर मिली थी और उन्होंने बताया था कि हमारे साथ न्याय नहीं होता है और हमारा बहुत शोषण होता है यहाँ पर और संबंधित जो हमारे जो हेड हैं वो हमको सपोर्ट नहीं करते हैं और हमारे से अनियंत तरीके से हम अपेक्षाएं रखते हैं और हमारे आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो पाती है और हमारा एक तरह से शोषण होता है और इस आशय का उन्होंने पत्र पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री सम्मानीय प्रहलाद सिंह पटेल जी को भी सौंपा है। और माननीय मंत्री जी, क्योंकि जिस समय मैं मंत्री जी से मुलाकात करने गई हुई थी, सौजन्य भेंट करने गई हुई थी मैं पटेल साहब के पास, उसी समय हम संयोग से हमारी महिला बहनें भी आई और मैंने फिर उनको उनसे मेरे सामने उनकी भेंट हुई तो माननीय मंत्री महोदय ने उनको, बहनों को हमारे संतुष्ट किया कि आप निश्चिंत रहें, आपके साथ अन्याय नहीं होगा और इस मामले की मैं गहन जांच कराऊंगा और जो भी दोषी व्यक्ति उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो NBC न्यूज के लिए बालाघाट से आशीष भगत की रिपोर्ट।